तो जो परमेश्वर के दिल में है आपको वो प्रैक्टिकली लेना है कि नहीं, फिर आपको अपना दिमाग और सोच और सेंस साइड पे रखनी होगी और आत्मा से चलना होगा। सोच आपको डराएगी, सिचुएशंस आपको धमकाएंगी, लेकिन आपको अपना ध्यान वर्ड के ऊपर रखना होगा। जो वचन कहता है वो ही फाइनल है। आपकी रिपोर्ट झूठ बोल सकती है, आपकी परिस्थितियां झूठ बोल सकती हैं, वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता। उस समय मेरी सेंस यही कहती थी कि हाँ मैं लो फील कर रहा हूं क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी बीमारियां और प्रॉब्लम्स हैं, और वो सच में हैं, तो ये झूठ तो नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। अब मुझे या तो अपने सेंस के हिसाब से चलना है और या तो मुझे फिर परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है। फैसला मुझे करना है कि मुझे अपनी सेंस देखनी है, जो दिमाग कहता है वो देखना है, या जो परमेश्वर का वचन कहता है वो देखना है। ऊंची आवाज़ें बोलो हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर के दिल में है उसको नीचे उतारने का एक तरीका है। आमीन।